गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है जलशा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद जलशा। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो आपके राजस्थान की सूचना सहायक की वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हमने एक मैराथन क्लास अपलोड की थी। ठीक है, जितना आपका सिलेबस आपका गिवन है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, हमने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे कवर किए थे। ठीक है, 5 आवर प्लस की वो कुछ क्लास है, तो एक बार उस क्लास को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, काफी क्वेश्चंस आप वहां से सॉल्व कर पाएंगे। आज की जो क्लास है, इसके अंदर हम जो आपका ये एक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का 2018 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, जिसमें हम कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड विद एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जिससे कि जो टॉपिक आपके रह गए हैं या फिर उस मैराथन क्लास में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर कर ले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ पर आता है। एंड पीडीएफ अवेलेबल है, आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो, काफी स्मॉल अमाउंट पे करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको इसके और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो है, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो अभी हमें पता है कि प्रिंटर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें रिबन यूज होता है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट होता है उसमें नहीं होता। तो यहाँ पे प्लॉटर तो एक अलग से ही आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स है। ठीक है, बचा कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ये सब क्या है? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है, टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पता नहीं अपना कंप्यूटर से रिलेटेड आया है या जनरल में आया है, लेकिन देखो, व्हाट इज VVPAT, फुल फॉर्म पूछिए इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज लक्ष्मी विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रिप्टो करेंसी, सॉफ्टवेयर, लॉकर फैसिलिटी, न्यू टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट। तो लक्ष्मी जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। दिव्यांग सारथे इज मोबाइल ऐप, मोबाइल एम्बुलेंस, इंटरनेट पोर्टल, रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो दिव्यांग सारथी दिव्यांग जन के लिए एक मोबाइल अप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा है, थोड़ा यहाँ पे एक सीरीज में गिवन नहीं है ये। यहाँ पे देखो, बूटिंग instructions आर स्टोर्ड इन साइड फ्लॉपी डिस्क, रोम, रैम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, कॉल्ड बूटिंग एंड आपकी होती है वॉर्म बूटिंग। ठीक है, कॉल्ड बूटिंग होती है जिसमें हम कंप्यूटर को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड वॉर्म बूटिंग होती है रिफ्रेश करना, मतलब रीस्टार्ट करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करना नहीं, रीस्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं वॉर्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी कह देते हैं, एंड वॉर्म बूटिंग को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कह देते हैं। जो वॉर्म बूटिंग होती है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ये जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो या फिर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कह लो, ये सब कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब आप प्रेजेंटली किसी डेटा पे काम कर रहे होते हो, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपका रैम के अंदर स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क को डिस्कैट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं फ्लॉपी डिस्क को? डिस्कैट भी कह देते हैं। ये आजकल यूज नहीं होती है। ठीक है, इसका जो ओवल पार्ट है उसको हम टच नहीं करते हैं। 1.44 MB इसकी क्या है? कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यहाँ पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड इज यूजुअली यूज्ड फ्री इज रेफर्ड एज शेयरवेयर, फर्मवेयर, माइंडवेयर या पब्लिक डोमेन। तो वेब सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वे सॉफ्टवेयर जो इलीगली है और साथ साथ में फ्रीली यूज किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पब्लिक डोमेन, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है, तो शेयरवेयर के बारे में समझो, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। आप समझो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हो एंड उसमें आपको कुछ आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, लेकिन साथ साथ में कुछ एप्लीकेशंस पे आपको लिखा मिलता है कि इसके एडवांस फीचर्स यूज करने के लिए आप एक अमाउंट पे करें, ठीक है। फिर आप 1 ईयर, 2 ईयर, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप उसके एडवांस फीचर्स को या कंप्लीट पैकेज को यूज कर सकते हो, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके शेयरवेयर, ठीक है। फर्मवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। हार्डवेयर के लिए कैसे यूज किया जाएगा, ये हार्डवेयर के लिए ऐसे यूज किया जाता है कि जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। ध्यान रखना क्या प्रोवाइड करते हैं, ये मशीन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। दैट अलाउ द हार्डवेयर टू फंक्शन, जो हार्डवेयर को फंक्शन करने की परमिशन देंगे एंड साथ साथ में आपके डिवाइस पे जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उससे भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये जो फर्मवेयर होते हैं ये आपके लो लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, लो लेवल कंट्रोल फॉर ए डिवाइस हार्डवेयर। थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो आपके फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड आप ये भी कह सकते हो कि जो फर्मवेयर है इज ए स्पेशल क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर, और हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है इनको जनरली रेफर कर दिया जाता है BIOS, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन मेन बातें थी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट साइकिल, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल या आउटपुट साइकिल ओनली। तो देखो हमने उस क्लास के अंदर डिस्कस किया था डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती है उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी इजी है कि डेटा प्रोसेसिंग में तीन बातें हैं यहाँ पे, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल। इज एन इन्फेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सेट, नॉलेज, रो डेटा या स्टेटिस्टिकल डेटा। तो देखो ये जो रो डेटा होते हैं ना, रो डेटा का मतलब जो आपको कोई भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा वो होता है रो डेटा, ठीक है। फिर हम रो डेटा के ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आपको मिलता है एक प्रोसेस्ड डेटा या इंफॉर्मेशन। मतलब आपको क्या मिल रही है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आपको एक नॉलेज मिल रही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ए ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर्स डेटा दैट रेयरली चेंजेस, डेटा दैट नेवर चेंजेस, डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस, डेटा दैट इज एरोनियस। तो ट्रांजेक्शन से नाम आपको इस नाम से क्या समझ में आ रहा है, ट्रांजेक्शन मतलब कि लेन देन हो रहा है ना। अब लेन देन होगा तो मतलब डेटा आपका चेंज भी होता रहेगा, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी, डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस। MS Access Database is saved as extension. देखो इस MS Access को MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, इन चारों को हमने उस revision class में discuss किया है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 5.5 घंटे कुछ की एक क्लास है, इसको जरूर देख लेना एक बार एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में और डिटेलिंग में देखना चाहिए। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन है आपकी .mdb, और मैंने आपको बताया भी था कि 2007 के बाद के जो वर्जन है उसमें एक्सटेंशन चेंज हो गई है।
तो वो जो एक्सटेंशन है, नई एक्सटेंशन वो क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ इज एन एक्रोनियम फॉर, अब यहाँ पे एक ये फुल फॉर्म दी गई है, एक क्लास अवेलेबल है जिसमें 100+ फुल फॉर्म है, उसको देख लेना, ठीक है, उसमें आपको काफी सारी फुल फॉर्म्स मिलेंगी। पीडीएफ इज एन एक्रोनियम फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लेयर वन ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज, तो देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ओएसआई मॉडल वैसे डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। उसके अलावा डिटेलिंग के लिए एक क्लास है जिसमें ओएसआई मॉडल और टीसीपीआईपी मॉडल की लेयर्स के बारे में मेन मेन पॉइंट्स को बताया गया है कि किस लेयर का क्या फंक्शन है, कौन से डिवाइस यूज होते हैं, कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं। लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ओएसआई लेयर जो मॉडल है आपका वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। लेयर्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक आप ये कर सकते हो कि सभी लेयर का फर्स्ट लेटर जो है आप वो याद कर लो, क्या है, ए पी एस टी एन डी पी, सॉरी ए पी एस टी एन डी पी, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लेयर है, ये कौन कौन सी लेयर है, ये आपके फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर यहाँ पे केबल्स यूज होती है, ठीक है, रिपीटर यहाँ पे यूज होता है। डेटा लिंक लेयर, इसमें आपका जो मेन प्रोटोकॉल रहेगा वो रहेगा पीपीपी और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और जो आपका डेटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में आ जाता है। फिर नेटवर्क लेयर, यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल का रोल रहेगा, ठीक है, नेटवर्क लेयर में यहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड रहता है। टी ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे आपका टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। सी एस सेशन लेयर, यहाँ पे सेशन कंट्रोल एंड डायलॉग मैनेजमेंट का मेन रोल है। पी प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें आपका डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेपीजी का फॉर्मेट है या किस चीज का फॉर्मेट है वो। ए एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर इंटरफेस में यूज होता है, मतलब कि यूजर किससे कनेक्ट करता है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे HTTP, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो फर्स्ट लेयर पूछी है कौन सी है, फिजिकल लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर, मोजेक, मोजिला, नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर आपका नेटस्केप नेविगेटर था, 1994 में ये आया था। साइज ऑफ आईपी वर्जन 6 एड्रेस इज 264 बिट्स, 128 बिट्स, 64 बिट्स या 32 बिट्स। तो आईपी वर्जन 4 भी होता है एक, और एक वर्जन 6 होता है। वर्जन 4 आपका 32 बिट्स का होता है, ठीक है, वर्जन 6 आपका 128 बिट्स का होता है। जो वर्जन 4 है इसको हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आईपी वर्जन 6 को हम हेक्सा डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्जन 4 को डॉटेड डेसिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 32 बिट्स है, तो यहाँ पे 4 पेयर बन जाते हैं 88 बिट्स के, एंड ये 4 पेयर आपके डॉट से सेपरेट रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहा जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर्स, FTP, MTMT, HTTP और SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल सर्वर में आपका SMTP यूज होता है, SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है, ईमेल सेंड करने में काम देता है, और POP आपका एक पुल प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो ईमेल रिसीव करने में यूज होता है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। HTTP आपकी जो भी ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट डालते हो सर्वर के लिए, वो सारी रिक्वेस्ट आपकी HTTP की फॉर्म में जाती है, एंड सर्वर से जो रिप्लाई आता है वो भी HTTP की फॉर्म में ही आता है। पोर्ट नंबर की अगर बात करें तो FTP के 2 पोर्ट है यहाँ पे, 20 और 21, ठीक है। FTP में 2 कनेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका डेटा कनेक्शन और एक होता है आपका कंट्रोल कनेक्शन, तो इसीलिए यहाँ पे इसके 2 पोर्ट नंबर होते हैं, एक है आपका 20 और एक होता है आपका 21। इसमें जो आपका 21 होता है पोर्ट, वो किसके लिए यूज होता है आपका, वो होता है 20 होता है आपका डेटा कनेक्शन के लिए, एंड 21 होता है आपका डेटा कनेक्शन के लिए, और जो 20 होता है वो है आपका कंट्रोल कनेक्शन के लिए, ठीक है।
21 डेटा कनेक्शन, 20 कंट्रोल कनेक्शन। उसके अलावा HTTP का पोर्ट नंबर अगर बात करें तो HTTP के पोर्ट नंबर कितना होता है, 80 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर है आपका 80। फिर थर्ड आता है आपका SMTP। SMTP का पोर्ट नंबर कितना रहेगा, SMTP का पोर्ट नंबर आपका रहता है 25। ठीक है, SMTP का पोर्ट नंबर कितना है, 25। The fill in the blank shows all the websites and pages that we have visited earlier. History, taskbar, status bar, browser list. आपने कौन कौन से पेज देख लिए हैं ये जानकारी कहां से मिलेगी आपको, उसकी हिस्ट्री से मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। An organization that provides services for accessing, using or participating in the internet is called the network hub, internet consortium, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलकॉम कंसोर्टियम। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है उन्हें क्या कहते हैं, ISP कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एयरटेल, BSNL, जियो, ये सब क्या है, ISP। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईथरनेट इज अनदर नेम ऑफ लैन, मैन, वैन और पेन। तो ईथरनेट का दूसरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क गिवन है, चार टाइप होती है, लैन, मैन, वैन और पैन। यहाँ पैन की फुल फॉर्म गलत है, पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। ठीक है, द नॉर्मल स्पीड ऑफ इथरनेट इज 64 kbps, 64 mbps, 10 kbps और 10 mbps। तो 10 mbps होती है नॉर्मल स्पीड, 10 megabits per second। द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ यू ओमिट rel, style, body या HTML। कौन से टैग को आप डिलीट कर दोगे कि ब्राउजर आपकी स्टाइल शीट फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो रिलेटिव rel टैग है आपका, इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तब जो ये टैग होता है ये क्या करता है, आपके करंट डॉक्यूमेंट और लिंकिंग डॉक्यूमेंट को क्या करवाएगा, उनको कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, Which of the following is a container tag? Select value, input or body? Container tag क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा में समझो, वो टैग जिनका एक स्टार्टिंग भी हो और जिनकी एक क्लोजिंग भी हो, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो बॉडी टैग है उसका एक स्टार्टिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग भी होता है। जैसे HTML है, HT और टाइटल है, हेड है, ये सारे टैग क्या है, कंटेनर टैग है। Which attribute in anchor tag is used to show the hyperlink? Anchor tag A है, इसके साथ कौन सा attribute use होता है, href। src आपका image tag के साथ use होता है। Link आप body tag में use करते हो, link का color change करने के लिए। ठीक है, A fill in the blank is a small program embedded inside a GIF। GIF की full form है graphics interchange format image। वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन, स्पैम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है वेब बग। कुकी क्या होती है, कुकी वे प्रोग्राम होते हैं जो कुकीज वे प्रोग्राम होते हैं जो क्या होते हैं आपकी, आप क्या सर्च कर रहे हो, आपने कौन सा पेज देखा, कौन सी वेबसाइट पे गए, आपके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर ले, एंड फिर ये इंफॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी अपने यूज के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर यहाँ पे मेलवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन करते रहेंगे एंड आपकी इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी के पास भेजते हैं। स्पैम क्या है, स्पैम को हम जंक मेल्स भी कह देते हैं, जो आपको ईमेल्स प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं स्पैम। ठीक है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट मेल भी आ जाती है। सेविंग ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर से इंटरनेट पे कुछ डालते हैं हम उसे अपलोडिंग कहते हैं। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज ए रेफरेंस टू ए कंप्यूटर रिसोर्स वेब रिसोर्स दैट specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it, printer on the network, storage server on the network. URL क्या होता है, URL address होता है किसका, website का, web page का, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा option इसके regarding आपका correct है, option B,
web resources that specifies its location on a computer network and mechanism for retrieving it. Which phase comes after execution in electronic market trade cycle? Pre-sale, after-sale, settlement, negotiate. So, iska answer settlement hai. Which is not an example of G2C service? E-Visa, E-Transportation, Digital Police Portal, eBay.com. तो यहाँ पे देखो G2C इसकी फुल फॉर्म है आपकी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मतलब कि गवर्नमेंट कस्टमर को सर्विस दे, वो सर्विसेज यहाँ पे आएंगी। तो ई वीजा ये भी गवर्नमेंट से सर्विस, गवर्नमेंट से कस्टमर की सर्विस है। ई ट्रांसपोर्टेशन भी है, डिजिटल पुलिस पोर्टल भी है, लेकिन ई बे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस है, ठीक है। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ई एफ टी स्टैंड्स फॉर, एंड ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने जब अपनी क्लास में ई कॉमर्स को भी डिस्कस किया था, एंड वहां पे बाकी जो भी सर्विसेज होती है उनके बारे में भी वहां पे मेंशन है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, काफी क्वेश्चंस के आंसर आप वहां से सॉल्व कर पाओगे। ई एफ टी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रिप्लीकेट ऑटोमेटिकली इज ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, जॉम्बे वायरस। तो वायरस, जॉम्बे, वॉर्म ये सब खुद को रिप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स नहीं करता है। XLL डेफिनेशन इज यूज अलॉन्ग विद XML टू स्पेसिफाई। देखो XML ना सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में आपके सिर्फ HTML और C++ का इंट्रोडक्शन मेंशन है, ठीक है। लेकिन XML से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार XML की क्लास देख लेना, एक क्विक रिवीजन है जिसमें XML के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो डिस्कस किए गए, ठीक है। तो एक बार वो जरूर देख लेना, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को तब सॉल्व कर पाते हो जब यहाँ पे आपको XLL की फुल फॉर्म पता है, XML लिंकिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाम से क्या पता चल रहा है, लिंकिंग मतलब कुछ ना कुछ लिंक हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शंस क्या है, डेटा टाइप ऑफ द कंटेंट ऑफ XML डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ XML डॉक्यूमेंट, लिंक्स विद अदर डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, याहू, बिंगो, गूगल या विंडोज। तो विंडोज नहीं है सर्च इंजन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम ए यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर रिजल्ट्स इज एडवांस सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, सर्च टूल या बूलियन सर्च इंजन। देखो ध्यान से देखो, एक सर्च इंजन है जो यूजर से इनपुट ले रहा है और क्वेरी को सेंड कर रहा है किसे, दूसरे सर्च इंजन के पास फॉर रिजल्ट। तो दो सर्च इंजन यहाँ पे इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब ये मेटा सर्च इंजन की बात कर रहा है। The search result are generally presented in a line of result often referred as tag list, search engine result pages, search engine pages category list. तो option B आपका answer रहेगा। Which of the following is not a recovery technique? Deferred update, immediate update, two-phase commit protocol, recovery management. तो यहाँ पे टू फेज कमिट प्रोटोकॉल क्या नहीं है, एक रिकवरी टेक्निक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में एक बार डेडलॉक की क्लास देख लेना, इनके बारे में वहां पे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस इज नोन एज एसेशन, ट्रिगर्स, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट या इंसर्शन। तो एक स्टेटमेंट जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही है एज ए साइड इफेक्ट, वो किसकी वजह से होती है, ट्रिगर्स की वजह से होती है। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड रिकवरी स्कीम, बैकअप स्कीम, रीस्टोरिंग स्कीम या ट्रांजेक्शन स्कीम। तो इसे हम रिकवरी स्कीम कहेंगे, ठीक है। फेलियर से पहले आपका जो डेटा है वो प्रीवियस जो उसकी स्टोर्ड स्टेट है उसमें आ जाएगा। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज, सिमुलेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमेशन, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट। तो ग्राफिक्स में आती है। वेक्टर एंड आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्केलर, सेक्टर, रेक्टर और रास्टर। तो वेक्टर एंड स्केलर मत कर देना, ठीक है, वेक्टर एंड रास्टर होता है।
The ratio of vertical points to horizontal points and vice versa is called bitmap ratio, aspect ratio, pointer ratio, resolution ratio. So, aspect ratio is a technology that allows brick and mortar retail stores to send message directly to the smartphone of their customers by बीकन, बिटकॉइन, बिजनेस सीआरएम और बिग डेटा। तो देखो आप एक एग्जांपल समझो, आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो, है ना, वो आप लोगों की डिटेल आपसे लिखवाते हैं कि भाई नाम, मोबाइल नंबर, क्या क्या है, आपको कुछ कूपन्स भी देते हैं कि आप इन कूपन्स को यूज कर लेना, इस टाइम पीरियड में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फिर आप देखते हो कि जहां पे भी आपने अपने नाम, मोबाइल नंबर, जिस भी शॉप में, मॉल में अपना दिया था, जिस जैसे कि ट्रेंड्स में दिया था, रिलायंस ट्रेंड्स में, तो फिर आपको वहां से मैसेजेस आते हैं कि भाई ये ऑफर चल रहा है ना, ये डिस्काउंट चल रहा है। तो ये आपकी एक टेक्नोलॉजी है जो कि बीकन्स का इसका नाम रहेगा, एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रहती है जिसमें ये लोग अपने कस्टमर को क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल स्टोर की बात हो रही है। बीकन आपकी क्या रहेगी, वो टेक्नोलॉजी रहेगी। द फैसिलिटी अलाउ कस्टमर्स टू परचेज द आइटम्स दे वांट ऑनलाइन एंड पिक देम अप फ्रॉम देयर फिजिकल स्टोर, मर्जिंग द कन्वीनियंस ऑफ ई कॉमर्स विद द बेनिफिट ऑफ फिजिकल रिटेल आउटलेट्स, क्लिक एंड सेंड, क्लिक एंड परचेज, क्लिक एंड रिजर्व, क्लिक एंड कलेक्ट। मतलब आप ऑनलाइन तो सिलेक्ट कर लो आपको क्या चाहिए, लेकिन आप उसको पिक कर रहे हो आपके नियर बाय स्टोर पे जाके, इसे क्या कहते हैं, क्लिक एंड कलेक्ट। यूज ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, मशीन्स एंड सेंसर फॉर इम्पावरिंग ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स बाय गिविंग देम द सेम एक्सेस टू डेटा दैट ऑनलाइन स्टोर्स हैव इज अ फैसिलिटी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन है ना, सिर्फ यहाँ से आपको आंसर का पता चल जाएगा कि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो अपने डिवाइस, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और ये एक IoT है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर, MS वर्ड, नेट बीन्स, एडिट प्लस, नोट पैड। तो MS वर्ड नहीं है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ये। Which is not a feature of GUI that makes learning a programs easy for users. Option A, WYSIWYG formatting, dialog box, detailed keystrokes, commands and icons. तो user interface two types के होते हैं, एक होता है command user interface, एक होता है graphical user interface. Command user interface वो होता है जिसमें आपकी सब कुछ commands के ऊपर depend करता है, ठीक है, और GUI आपको क्या देता है, graphics देता है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आइकन्स आ जाते हैं, डायलॉग बॉक्स भी आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। ये कमांड्स किस में चली जाएगी, आपकी CUI में चली जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। एंड इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइंस वेदर ए कंट्रोल इज डिस्प्ले टू द यूजर, शो, डिस्प्ले, विजिबल और एनेबल्ड। तो विजिबल प्रॉपर्टी है आपकी। Fill in the blank, audio video refers to an on-demand request for compressed audio video files, streaming stored, streaming live, interactive या mixing. तो on-demand request हो रही है for compressed audio video file, तो ये है आपका streaming stored audio video, ठीक है। A buffer is required for real-time traffic, reordering, playback, shorting या broadcasting, तो playback आपका answer है। A changes the format of a high bandwidth video signal to a lower quality narrow bandwidth signal, sequence number, timestamp, translator or segment. तो यहाँ पे high bandwidth को lower में convert किया जा रहा है, तो translator हमारा answer है। फिर यहाँ पे ये कुछ reasoning के question आ गए। And class अच्छी लग रही हो ना, तो comment करके जरूर बता सकते हो कि आपको ये session कैसा लग रहा है, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। अभी आएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे कंप्यूटर के। यहां से स्टार्ट होता है, देखो
Text encryption is its compression, expansion, scrambling to preserve its security, hashing. तो देखो इंक्रिप्शन क्या होता है कि आपके डेटा को आप इंक्रिप्ट कर रहे हो, है ना। इंक्रिप्शन का मतलब कि आप अपने डेटा को एक सिक्योर कोड के अंदर क्या कर रहे हो, इंक्रिप्ट कर रहे हो, तब आप उसको नेटवर्क के थ्रू सेंड करेंगे। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यहाँ पे दो चीजें होती है। आपने उसको इंक्रिप्ट कर दिया, जिसको भी रिसीवर को भेज रहे हो वो इसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए आप दो की यूज करते हो, पब्लिक की होती है एक, प्राइवेट की भी होती है, ठीक है। पब्लिक की में एक पब्लिक की होती है, एक फिर प्राइवेट की होती है। तो यहाँ पे ये कीज होती है, जिस की हेल्प से आपको आपने इंक्रिप्ट किया, रिसीवर के पास उसकी डिक्रिप्शन की मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर टेक्स्ट इंक्रिप्शन है, मतलब आप उसको सिक्योर वे में चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको स्क्रैम्बल कर रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट इंक्रिप्शन से रिलेटेड आपकी टर्म रहेगी स्क्रैम्बलिंग। One commonly used public key encryption method is the RSS, RAS, RSA और RAA. तो यहाँ पे RSA क्या रहेगी, आपकी algorithm रहेगी, which is not the characteristics of good algorithm. Finite होती है, unambiguous भी होती है, well defined भी होती है, लेकिन unordered कोई characteristics नहीं होता। इन तीन के अलावा होता है कि एक single input हो, कि एक एंट्री हो एंड एक एग्जिट हो, ठीक है। एक कोई इनपुट हो और कोई आपको एक सिंगल आउटपुट भी मिले, ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। सूडो कोड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सोर्स कोड। सूडो कोड एक नॉन रियल कोड होता है, मतलब कि इसको आप जनरली ऐसे ही लिख देते हो समझने के लिए, कोई भी इसको समझ सकता है, उसको चाहे कोडिंग आए या ना आए। एल्गोरिदम आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। फिर ये एल्गोरिदम, आप पहले एल्गोरिदम लिखते हो, उसके बाद इस एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट क्या है, आपकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सोर्स कोड क्या होता है, वो कोड जो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो और इनपुट के लिए जा रहा है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। Which structure allows the program to make a choice between two alternate path depending upon the condition, sequence, selection, iteration or logic? Sequence तो देखो ये हो गया, एक के बाद एक जा रहा है, ये क्या हो गई आपकी sequence। उसके बाद selection देखो, यहाँ पे हमने condition लिखी, condition true है तो ये print होगा, condition false है तो इधर जाएगा। ये किस में होता है आपका, if else में होता है, switch के अंदर हो जाता है, इसको हम कहते हैं selection, ठीक है। आइट्रेशन में आपका फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप आ जाता है। NAT stands for नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, कहां पे ऑप्शन है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल, देखो इस क्लास के बाद ना हम एक फायरवॉल की एक अलग से क्लास जरूर करेंगे, जिसमें फायरवॉल, उसके टाइप्स ऑफ फायरवॉल को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल पैकेट्स की निगरानी रखता है, पैकेट्स को देखता है कि जो भी आपके पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको। तो यहाँ पे फायरवॉल फिल्टर्स द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर इज पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल और नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो आप वो आपके फायरवॉल की टाइप जो कि एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज को फिल्टर करती है वो है प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है। बाकी जो फायरवॉल की क्लास अपलोड करेंगे हम, उसमें हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, स्टेट, बिहेवियर और मैसेज, तो क्लास है। क्लास मेंबर ऑफ ए सी प्लस प्लस, क्लास मेंबर ऑफ ए क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या ग्लोबल, तो प्राइवेट होते हैं। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के मेंबर पूछ लेता तो वो पब्लिक होते हैं। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स इज इनहेरिटेंस, हायरार्की, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टेट ट्रांजिशन। तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स की बात हो रही है तो आंसर आपका क्या रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म। डिक्लेरेशन इंट एड 25 विल एलोकेट बाइट्स,
तो यहाँ पे इसका साइज कैलकुलेट करना है आपको। देखो इंट कितने का है, आप इंट 2 बाइट का भी होता है और 4 बाइट का भी होता है, लेकिन जो आपका ये एग्जाम है इसकी जो आंसर की आई है ना उसमें 4 बाइट लिया हुआ है, तो अगर मेंशन ना करे तो आप 4 बाइट लेके चलना। अदरवाइज 16 बिट कंपाइलर के लिए 2 है और 32 बिट कंपाइलर के लिए 4 है। कंपाइलर मेंशन कर दे तो आप ऐसे देख सकते हो, कंपाइलर यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है तो हम 4 बाइट लेके चलेंगे, ठीक है। तो 4 बाइट हो गया, मल्टीप्लाई में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 × 5 = 10, तो कितना आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सी, फ्लोट एंड कैर और क्लास, तो क्लास नहीं है। The following two C language statements are equivalent to n is equal to star ampersand Q, ठीक है। These statements are, फिर ये statements है which are further equivalent to, तो इसको ध्यान से समझो, ये मेरे पास क्या है Q, इसका कोई भी एक memory size है 101, इसके अंदर data store है 5, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल है P और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। एम्परसेंड है इसका मतलब ये एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, Q का, तो Q का एड्रेस क्या है 101, और P का खुद का भी कोई एक एड्रेस होगा मान लो 200 है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। फिर यहाँ पे थर्ड एक और वेरिएबल है N जिसका कोई भी मेमोरी साइज समझ लो 300, n इज इक्वल टू स्टार p। अब यहाँ पे देखो अगर ये स्टार की जगह एम्परसेंड होता तो इसके अंदर p का एड्रेस आ जाता, मतलब कि 200 आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्टार मेंशन है ना कि एम्परसेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टार p के पास, इस लाइन को समझो, n क्या कह रहा है कि p के पास जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो n के पास आएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगी 5। ये पॉइंटर का क्लास है, सी लैंग्वेज में मैंने इसके बारे में बताया भी है आपको, ठीक है, तो उसमें आप और देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, इस लाइन का मतलब ये हो गया, और ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन का मतलब समझो n इज इक्वल टू स्टार एम्परसेंड क्यू, ठीक है। तो ये लाइन भी क्या है, यही बात कह रही है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्यू, n की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, q के इक्वल हो गई। एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंटैक्स, कंपाइल टाइम एरर, लिंकिंग एरर, रन टाइम एरर या इनपुट एरर, तो ये कंपाइल टाइम एरर है, सिंटैक्स एरर भी इनको बोल देते हैं। COBOL and Pascal are examples of programming language. Object oriented, scripting, structured or object based. तो ये structured programming language है। In conversion of high level language to machine language, the syntax analysis part is called as parsing, lexical analysis, semantic analysis or linking. ये देखो ये compiler design के phases के ऊपर ये question है, ठीक है। तो कंपाइलर डिजाइन की एक ही क्लास के अंदर उसके सारे फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, इस क्लास को जरूर देखना, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर रहेगा पार्सिंग। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउ द प्रोसेस टू बी स्टोर्ड नॉन कॉन्टिजुअसली इन मेमोरी, स्पूलिंग, स्वैपिंग, पेजिंग, रिलोकेशन, पेजिंग है, स्पूलिंग की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू, तो यहाँ पे देखो अगर सिंपल राइट एरो की बात होती तो मतलब आप एक कैरेक्टर राइट में आगे जाते हो, लेकिन जब कंट्रोल के साथ आप एरो की को यूज कर रहे हो तो मतलब आप एक वर्ड की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड्स एज यू टाइप शॉर्ट, रिपीटेटिव, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड और डुप्लीकेट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, जो स्पेलिंग आपने गलत की है तो मिसस्पेल्ड आपका आंसर हो जाएगा। विच फीचर ऑफ वर्ड एनेबल्स ए पर्सन टू सेंड सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन,
मैक्रो, मेलमर्स, टैम्पलेट और थेजर्स। तो मेलमर्स। वी कैन नॉट हाइड ए इन एमएस एक्सेल, रो, कॉलम, शीट और रेंज। तो हम रेंज को हाइड नहीं कर सकते। Which of the following chart type will be the most appropriate to plot the ups and down and track the progress of the stock market on a daily basis? Column chart, row chart, line chart or pie chart? तो इसके लिए आप line chart use करते हो, ठीक है? Option C. अब इस question को थोड़ा ध्यान से समझो. If the formula, if condition given, if formula लगाया गया है, if formula में ये आपकी condition है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? उसके अलावा ये कह रहा है कि ये 75, 150 और 100, ये तीन वैल्यू यहाँ पे अलग अलग टाइम पे हम दे रहे हैं, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी? तो यहाँ पे अगर आपने 75 यहाँ पे दिया, 75 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा? ए स्टार। क्या रिजल्ट आएगा? ए स्टार, ठीक है? अब हमने दिया इसको 150 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन क्या है? ट्रू है। क्या प्रिंट होगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है आपकी 100, 100 इज ग्रेटर देन 100, तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि इक्वल का निशान नहीं लगाया, तो क्या प्रिंट होगा? ए स्टार। तो कौन सी आउटपुट सही है आपकी? ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, डिजाइन टेम्पलेट या स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट नहीं है। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर। देखो ये एमएस ऑफिस के क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एक एमएस ऑफिस की 350 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें एक ही क्लास है ये, ठीक है, जिसमें ये सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, इसमें आपके एमएस ऑफिस के सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्लेस होल्डर। ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू टेक्स्ट, स्लाइड, इमेजेस, एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। तो ट्रांजिशन इफेक्ट आपके स्लाइड पे लगाए जाते हैं। इन एमएस एक्सेस इमेज कैन बी सेट टू डेटा टाइप लॉन्ग, ओएलई, हाइपरलिंक, मेमो। तो इमेज यहां पे सेट करते हो आप ओएलई डेटा टाइप को यूज करके। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर्म आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, टेबल्स, रिकॉर्ड या कंट्रोल, कंट्रोल्स। टू मेक ए डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन एमएस एक्सेस, ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? तो पहले टूल्स में जाएंगे, फिर सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर डेटाबेस पासवर्ड में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। The device used to obtain a printed matter into digital form and digital matter into printed form respectively are. तो printed matter को digital में ले रहे हो तो ये scanner है, digital को print में ले रहे हो तो printer है। Option A हमारा answer है। The electric pulses generated by a system clock is called as click, cycle, tick or hertz. तो hertz। An industry standard designed to standardize the connection of computer peripherals to computers both to communicate and to supply electric power is IEEE standard, ASCII, USB peripheral standard. तो आप अपने कंप्यूटर को पेरीफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो? USB पोर्ट का। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। How many symbols does the hexadecimal system use? 6, 10, 16 or 60? तो 16 use करता है। To convert a decimal number into octal, we do. क्या करते हो आप एक decimal number को octal में convert करने के लिए? उसको 8 से divide कर देते हो, है ना? तो option A correct है। अगर आप उसको 16 से divide कर रहे हो तो मतलब आप hexadecimal में convert कर रहे हो। The hexadecimal subtraction, ठीक है, ये question काफी important है, इसको देखो एक बार, hexadecimal सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम, तो यहाँ इससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए 427, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 1056, ठीक है? एक बार ध्यान से समझो, एक बात और याद रखना, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप क्या लेते हो? आपको पता है आप बोरो करते हो,
है ना। जब आप बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप 2 बोरो करते हो, जब डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप 10 को बोरो करते हो, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 8 बोरो करोगे, यहाँ पे हम 16 को बोरो करेंगे। तो अब ध्यान रखना, अभी हेक्सा की बात हो रही है तो जहां पे मैं आपको 16 बोरो करके दिखाऊंगी, अगर ऑक्टल की बात हो तो आप वहां 8 यूज कर लेना, डेसिमल की बात हो तो 10 यूज कर लेना, बाइनरी की बात हो तो 62 यूज कर लेना, ठीक है। 7 में से 6 गया कितना आया 1, ठीक है। 2 में से 5 नहीं जा सकता, ये इससे क्या लेगा, एक बोरो करेगा। एक बोरो करने का मतलब यहाँ पे क्या बोरो करेगा, वो 16 को बोरो करेगा। 16 और 2 कितने हो गए 18 हो गए, 18 में से 5 गया तो कितना आया 13 आया। 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो 4 है इससे इसने 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, 3 में से 0 गया तो 3। ए को क्या लिखते हो आप 10 लिखते हो, 10 में से 1 गया तो 9, आंसर क्या हो जाएगा 9 3 D 1, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरह से हम इनको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 मेगाबाइट, प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज फैक्ट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन या डेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं। 2 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 1 1 1 0। अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस 1 0, एक ऊपर गया, फिर 1 प्लस 1 0, एक ऊपर गया, 1 प्लस 1 0, एक ऊपर गया, 1 प्लस 0 1, डी आंसर। सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस एजेंट, नो बोट्स, ब्लिजर्ड्स, सॉफ्ट बोट, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो यहीं तक हमारे क्या थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, ये आपका 2018 का प्रीवियस ईयर था, ठीक है। उसके अलावा हम एक फायरवॉल की क्लास करेंगे, एंड उसके अलावा हम जितनी भी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्लास मैंने बताई है उनका लिंक आपको वीडियो के एंड में और या फिर वीडियो के ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वहां से आप उन क्लासेस को चेक कर सकते हो। थैंक यू।